नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शन में। फ्रेंड, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मैच होने वाला है अभी 21 घंटे बाद, वुमन T20 का एक मुकाबला है सुपरनोवाज वर्सेस ट्रायल ब्लेयर्स का। तो फ्रेंड, ये मैच मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि ये होगा मुंबई के पिच पर। यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड दिखा देता हूँ कि कल ये 22 मई को 2 बजे से स्टार्ट होगा। वेन्यू रहेगी वानखेड़े स्टेडियम, हरमनप्रीत कौर वर्सेज स्मृति मंधाना। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैं आपको सीधे इस मैच के बारे में बताता हूँ, इसकी स्क्वाड मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसकी स्क्वाड इस टाइप से दी गई है। आयस अहले, मंधाना, बैट्स शर्मा, बैथ मुनी, रॉयडिस, ठीक है, आप इस टाइप से इसकी टीम देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस स्क्वाड में 1, 2, 3, 4, 5 फॉरन प्लेयर खेल रहे हैं, यानी कि इसमें तहू, हेजल, बाथ मुनी, बैट्स और आयसा हिले, और यहाँ पर भी 5 फॉरन प्लेयर हैं और बाकी के हमारे इंडियन प्लेयर हैं, यानी कि 13 मैन का फ्रेंड्स ये स्क्वाड दिया गया। तो 13 में से 2 प्लेयर्स कोई ना कोई ड्रॉप होगा, और मुझे अभी यहाँ पर डाउट क्लियर नहीं है कि यहाँ पर आईपीएल की तरह 5 फॉरन प्लेयर खेलेंगे या सॉरी आईपीएल की तरह 4 फॉरन प्लेयर खेलेंगे या 5 खेलेंगे, ये मुझे इसका डाउट नहीं है। अगर 4 खेलेंगे और 7 इंडियन प्लेयर खेलेंगे तो एक यहाँ पर से फॉरन प्लेयर को हमको बाहर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टीम सेट की हुई है, टीम बनाई हुई है। तो पहले मैं आपको प्लेइंग 11 की तरफ नजर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, सूजी बैट्स है, न्यूजीलैंड की बहुत ही अच्छी, न्यूजीलैंड की कैप्टन है अभी, और अच्छा बैटिंग भी करती है, ओपनिंग आती है और अच्छा बॉलिंग भी करती है, फास्ट बॉलिंग भी करती है, बट इसका बॉलिंग करने का चांस फ्रेंड कम ही रहेगा। उसके साथ फ्रेंड्स ओपनर में आएगी स्मृति मंधाना, बहुत ही अच्छे भी फॉर्म में है फ्रेंड्स। पिछला आपने इनका देखा तो बहुत ही अच्छा है, फॉर्म इनका निकल रहा है, तो आप इनको चांस ले सकते हैं। उसके बाद आएगी फ्रेंड्स बाथ मुनी, ये आएगी फर्स्ट डाउन, बाथ मुनी आएगी फर्स्ट डाउन। उसके बाद रॉयडिस का फ्रेंड्स यहाँ पे मौका है खेलने का, और मुझे लगता है कि रॉयडिस मैच में खेलेगी, वो शायद सेकेंड डाउन आए, और बहुत ही अच्छी बैट्समैन है और लगभग 50-40 स्कोर तो ये कर देती है। उसके बाद फ्रेंड्स आएगी दीप्ति शर्मा, ये आपका बैटिंग भी करती है अच्छी खासी और आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी ये अपना देखती है। उसके बाद फ्रेंड मुझे लगता है कि आयसा हिले को मौका मिलेगा, विकेट कीपर है। उसके बाद फ्रेंड्स शिखा पांडे, एकता बिष्ट, पूनम यादव और गोस्वामी। फ्रेंड यहाँ पर अगर 4 फॉरन वुमन को खिला गया, 4 फॉरन प्लेयर को खिला रहे हैं, तो फ्रेंड मुझे लगता है यहाँ पर कि हेजल का चांस बहुत कम है खेलने का, क्योंकि फ्रेंड अगर यहाँ पर हेजल को खिलाएंगे तो यहाँ पर स्पिन ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो एकता बिष्ट ऑलरेडी खेल रही है, पूनम यादव ऑलरेडी खेल रही है, और यहाँ पर गोस्वामी, और उसके बाद यहाँ पर दीप्ति शर्मा भी, यानी कि 4 स्पिनर हो जाएंगे अगर हेजल खेलेगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर तहू का चांस अच्छा है कल के मैच में खेलने का, अगर यहाँ पर 4 ओवरसीज प्लेयर को मौका मिलता है तो यहाँ पर तहू के साथ फिर गोस्वामी फास्ट बॉलिंग को संभालेगी, और उसके बाद शिखा पांडे भी फास्ट बॉलिंग कराती है फ्रेंड, और हल्के अगर हो सके तो सूजी बैट्स भी फास्ट बॉलिंग करा सकती है, और एक प्लेयर जिसको बाहर बैठना पड़ेगा वो है डी हेमालाथ, ठीक है। तो और इसके साथ मेरे ख्याल से फ्रेंड्स जो बाहर बैठेगी वो होगी हेजल, इसके साथ जो बाहर बैठेगी वो होगी हेजल। और यहाँ पर मैं सुपर नोवाज की आपको प्लेइंग 11 फ्रेंड्स बता देता हूँ। यहाँ पे वैट बहुत अच्छी बैट्समैन है फ्रेंड, इसने अभी चेस करते हुए 124 रन भी किया था, जस्ट 6-7 महीने हुए होंगे, ये दिसंबर का टाइम था जब इसने चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 124 रन किया था, बहुत ही अच्छी बैट्समैन है फ्रेंड 2020 की। आप इसको अपनी हर टीम में रखिएगा, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रैंड लीग हो। एच डिवाइन की बात करता हूँ फ्रेंड, बहुत ही सुपर क्लास ऑलराउंडर बोलूंगा मैं इसको, बैट्समैन तो बैटिंग तो अच्छी करती है, फास्ट सेंचुरी जो फास्ट 50 का रिकॉर्ड है फ्रेंड्स इसके नाम पर है अभी वुमन क्रिकेट में, और अच्छा ये बॉलिंग भी करती है। मिथाली राज फ्रेंड अच्छी अभी फॉर्म से उतनी अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रही है, पर फिर भी अच्छी बैट्समैन है इंडिया की, वन डाउन खेलेगी फ्रेंड्स, तो आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको मैग लैनिंग और पाटिल में से मुझे एक का लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैग लैनिंग अगर यहाँ पर 5 प्लेयर में से एक को हटाना पड़े फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि मैग लैनिंग वो प्लेयर होगी ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन। अभी मैं इसकी बात बाद में करूँगा, आपको बताऊँगा इसका लॉजिक। आप पहले देख लीजिए फ्रेंड इलियास पेरी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी यहाँ पर बॉलर है और आपको बैट्समैन है, ठीक है, बैटिंग भी आराम से करिएगा, थर्ड या फोर्थ डाउन आएगी अब ये इस टीम के लिए, और अच्छी बॉलिंग भी करती है, 4 ओवर का पूरा कोटा है इसका। और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं जो कैप्टन है टीम की, वो बैटिंग भी करेगी फ्रेंड और बॉलिंग भी करेगी। यहाँ पे तानिया भाटिया फ्रेंड एकमात्र विकेट कीपर है, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा, बाकी आप इसको लेना मत, या इलियास इले को आप
लिलन टीम में। यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड बता दूँ, यहाँ पर स्कट की, स्कट फ्रेंड बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही अच्छी स्पिनर है, आप इसको पक्का टीम में रखना, मुझे लगता है कि स्कट पक्का खेलेगी। यहाँ पर गायकवाड़ स्पिन डिपार्टमेंट देखेगी, गायकवाड़ इंडिया की तरफ से यहाँ पर स्पिनर इस टीम में, और वासराकर, ठीक है, पूजा वासराकर यहाँ पे अच्छी फास्ट बॉलर है, इसको भी पक्का यहाँ पे मैच में मौका मिलेगा। और मुझे लगता है फ्रेंड वेदा कृष्णा मूर्ति या मोना मेश्राम में से एक को बैठना पड़ सकता है, वेदा कृष्णा मूर्ति या मोना मेश्राम में से एक को बाहर ड्रॉप किया जा सकता है। और आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर मोना मेश्राम या उससे यहाँ पर फ्रेंड ये होगा कि या तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पांच प्लेयर हैं ओवरसीज, डेनियल वाट, डिवाइन, लैनिंग, पेरी और स्कट। तो मुझे लगता है फ्रेंड कि अभी यहाँ पर लैनिंग जो जस्ट रिसेंट अभी टीम में वापस आई है, वो चोट से उभर के वापस आई है, तो शायद उसको ही बाहर बिठा दे, क्योंकि वाइट को तो पक्का बाहर नहीं करेंगे, डिवाइन को पक्का खिलाएंगे, पेरी का तो 100% है। अगर इन दोनों में से स्कट एंड लैनिंग में से एक ना एक को मौका मिलेगा, और जहां तक मुझे लगता है कि स्कट को मौका मिलेगा, क्योंकि एक ना एक बॉलर तो पक्का वो लोग ओवरसीज रखेंगे। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड यहाँ पर स्कट को मौका मिल सकता है, मुझे लैनिंग का थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस फ्रेंड्स कम लग रहे हैं। आप लैनिंग पर रिस्क मत लेना, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट की भी है, तो आप लैनिंग पे ज्यादा रिस्क मत लेना। और यहाँ पर जो प्लेयर बाहर बैठेंगे वो होगी वेदा कृष्णा मूर्ति और मोना मेश्राम। अगर लैनिंग बाहर बैठती तो इसकी जगह पर खेलेगी अनुजा पाटिल, जो कि अच्छी स्पिनर भी है और अच्छी बैट्समैन भी है। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको की प्लेयर दिखा देता हूँ ट्राई प्लेयर्स के। तो की प्लेयर रहेंगे फ्रेंड यहाँ पर बैट्स मंदाना मोनी, दीप्ति शर्मा, गोस्वामी, पूनम यादव और हेले, ठीक है। यहाँ पर की प्लेयर मैं आपको सुपरनोवास के दिखा देता हूँ, ये रहेंगे डिवाइन, वैट, मिथाली राज, पेरी, कौर, गायकवाड़ और स्कट। फ्रेंड अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे जो मैंने अपनी टीम बनाई है उसकी तरफ। फ्रेंड ये है मेरी टीम वन स्मॉल लीग की, मैंने दो स्मॉल लीग की टीम बनाई है फ्रेंड, आपको जो अच्छा लगता है उससे आप खेल लो। डिवाइन फ्रेंड मेरी कैप्टन रहेगी, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बॉलर भी है और बैट्समैन भी है, और 2020 स्पेशलिस्ट मानूंगा मैं इसको, वुमन क्रिकेट का बहुत ही अच्छी प्लेयर है, ठीक है। डिवाइन के साथ आप मंदाना को मैंने वाइस कैप्टन किया, क्योंकि मंदाना पिछला सीजन से बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले दो तीन महीने से, जब ये इंडिया का जो सीरीज हुआ था, शायद इंग्लैंड के साथ हुआ, किसके साथ थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें आप इसका रिकॉर्ड चेक कर लेना मंदाना का, हर मैच में इसने लगभग 50 किए, हर मैच में इसने 50, अच्छा इसका फॉर्म चल रहा था, इसलिए मैं मंदाना की तरफ जाऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बैट्स को भी रख सकते हो, वाइट को भी रख सकते हो, या आप मिथाली राज को भी रख सकते हो, पेरी को रख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड। आप चाहो तो अपना कैप्टन भी चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। दूसरा टीम मैं बताऊंगा फ्रेंड यहाँ पे आपको, इसमें मैंने पांच बैट्समैन खिलाए हैं, पांच बैट्समैन मतलब मैंने यहाँ पे बाथ मुनी को एंटर कर दिया है, यहाँ पर से मैंने इस टीम में मैंने आपका दीप्ति शर्मा को मैंने आउट कर दिया है, इस टीम मैंने दीप्ति शर्मा को आउट कर दिया। यहाँ पे पूजा वासकर को मैंने खिला दिया, पूजा वासकर फ्रेंड 100% खेलेगी, बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि वो नहीं खेलेगी, वो 100% खेलेगी, भले उसका 8 क्रेडिट है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता फ्रेंड, वो पक्का खेलेगी। तो आप इस टीम के साथ भी जा सकते हो, आप किसी भी टीम को लगाओ फ्रेंड। तो अगर आपको बाथ मुनी अपनी टीम में चाहिए, बाथ मुनी फ्रेंड बहुत अच्छी बैट्समैन है, नो डाउट, अगर वो चल गई तो बहुत अच्छा उस दिन खेलेगी। आप फ्रेंड किसी भी टीम के साथ जाओ, बट मैं आपको टीम वन प्रेफर करूंगा, टीम वन आपका पूरा बैलेंस टीम है, सिर्फ इसमें बाद मुनी नहीं है, बट आप इस टीम के साथ आराम से खेल सकते हो फ्रेंड। मिथाली राज का थोड़ा सा रिस्क है, इसका थोड़ा सा फॉर्म बेकार है, बट अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो अपनी तरफ से, बाकी मैंने इसको रखा हुआ है, एक बैलेंस टीम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। तो आप भी फ्रेंड अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।